तो जनाब, गुरु की नगरी श्री अमृतसर शहर में स्वागत है आपका। तो अमृतसर के जायकों की तलाश में आज आ गया हूँ मैं बीराड़ी सतपुड़े वाले भाई साहब के पास, जो कि लंबे समय से अमृतसर के वासियों को एक लाजवाब जायका दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनता है सतपुड़ा और बातचीत करते हैं यहाँ के ऑनर से। तो जनाब, ये है अमृतसर के मशहूर सतपुड़े। अभी इनको रोल करके यहाँ पर रखा गया है, तो ये गर्मा गर्म कढ़ाही में जाने के लिए यहाँ पर रेडी पड़े हुए, साथ में पड़े हुए समोसे। समोसे भी इनके बहुत मशहूर है, लेकिन भाई साहब सतपुड़ों का यहाँ पर कोई और मुकाबला नहीं करता। तो ये देखिए, अभी इनको जो है कढ़ाई में डालने के लिए रखा जा रहा है, तो ये जाने वाले हैं भाई साहब गर्मा गर्म कढ़ाई में, गर्मा गर्म तेल की कढ़ाई में जाने वाले। तो तभी जो इनकी जो लेज है वो सेवन में जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी तो बहुत कम दिखाई दे रही होगी, अभी ये देखिए जा चुके हैं गर्मा गर्म कढ़ाई में, तो अभी जो इनकी लेयर्स है वो सेवन में कन्वर्ट हो जाएगी, तभी इसको बोला जाता है सतपुड़ा, क्योंकि इनकी सेवन लेयर्स होती है। तो इसी वजह की इसका नाम जो पड़ा हुआ है सतपुड़ा पड़ा हुआ है। ऐसा ही दिल्ली में और समोसा भी मिलता है, जिसे जापानी समोसा में बोला जाता है, लेकिन उसकी जो लेयर्स होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसकी सेवन ही मानी जाती है, तभी इसको थोड़ा सा ये अंतर रहता है। तो ये देखिए, बनकर पूरी तरह गोल्डन कलर लेकर ये बाहर आ चुके हैं। तो ये देखिए भाई, पूरी तरह से अभी ये तैयार हो गए हैं, पूरी तरह से इनको जो है रेडी कर दिया गया है। तो अभी ये बाहर आ गया है, देखने में बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो चलिए यहाँ के मालिक से बातचीत करते हैं कि सतपुड़े के साथ साथ और क्या क्या रहता है यहाँ पर। सत श्री अकाल भाजी। भाजी की नाम जी अपना? मनी है। मनी भाजी, भाजी कितना चिर हो गया जी अपनी पुरानी दुकान? 65 साल हो गया जी, है ना। तो आपके तो भाई साहब जी वो समोसे से मशहूर हैं आप, सतपुड़ा कब शुरू किया जी? क्या बात है जी, क्या बात है जी। सतपुड़े के अलावा फिर क्या क्या मिलता है जी? और मेरे मॉर्निंग से पूरी छोले के जोड़ी। अच्छा जी। इवनिंग के समोसा, सतपुड़ा, ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, क्या बात है। सतपुड़ा भाजी खाने वास्ते किन्ने बजे आवे एक बंदा? साढ़े चार पाँच बजे तक आ सकते हैं जी। ठीक है जी। भाजी किसी ने एड्रेस बता दें आप? गोल्डन टेंपल की बैक साइड है जी। जी, 100 मीटर की दूरी तक दुकान है। ठीक है जी, शुक्रिया जी, मेहरबानी भाजी टाइम देता। भाजी एक मेरी प्लेट ला दो, एक ही दे दो मैंने। हाँ जी, ये देखिए जनाब हमारी प्लेट लगने वाली है। ये भाजी की आ गई जी? अच्छा, लौंजी की सब्जी आ गई जी, इमली की चटनी आ गई जी, आलू की होती है जी। ठीक है, ये रहा जी भाई, वाह क्या बात है। तो ये आ चुकी है भाई साहब, मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेयर्स है वो जो कितनी ज़्यादा है, तो क्रंचीनेस में इसमें लग रहा है काफ़ी, आपको शायद आवाज़ आ रही है, क्रंचीनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चटनी है साथ में, और साथ में जो है लौंजी की सब्ज़ी, जिसे आलू की सब्ज़ी बोला जाता है, वो दी गई है। तो मैं आपको खा कर बताता हूँ कि इसका स्वाद जो है वो कैसा है। तो अभी इसका आप क्रंचीनेस एक बार चेक कीजिए, कितना जो क्रंची है। तो मैं आपको खाकर बताता हूँ इसका जो स्वाद है वो कैसा है। तो जनाब क्रंचीनेस तो इसमें बहुत ज़्यादा है, तो इसमें फीलिंग जो है वो अलग ही रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फीलिंग भी। तो ये देखिए भाई साहब, आप देख सकते हैं इसके बीच की जो फीलिंग है वो आलू की रहती है। तो एक तरह से इसका जो टेस्ट है वो एक देसी पैटी जैसा है, बहुत क्रंची, बहुत खस्ता है। तो अगर आप श्री दरबार साहब आ रहे हैं तो यहाँ पर बीरा जी सतपुड़े वाले मशहूर हैं। ये देखिए मैं एक बार आपको दुकान दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आकर आप ये इसका जो टेस्ट है वो यहाँ पर चख सकते हैं। तो जनाब सतपुड़ों के साथ साथ यहाँ पर रहते हैं गर्मा गर्म गुलाब जामुन। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका साइज़ बड़ा, बहुत बड़ा साइज़ है, और ये गर्मा गर्म गुलाब जामुन मैंने भी एक ले लिया है यहाँ पर। तो मैं आपको खाकर बताता हूँ कि इसका स्वाद है वो कैसा है। ये देखिए थोड़ा सा इसको जब मैं चम्मच से काटने की कोशिश करूँ तो आराम से जो कट रहा है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो खाकर भी बताता हूँ कि कितना सॉफ्ट है, तो देखने में तो बहुत लग रहा है। तो ये रही बाइट भाई साहब, वो भाई साहब मुँह में जाते ही घुल गया, ये बहुत कमाल है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो सतपुड़े के साथ साथ यहाँ पर जो है आप इनका जो गुलाब जामुन है वो भी यहाँ पर ट्राई किया जा सकता है। तो भाई साहब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।